So hello and welcome everyone. Today we are going to give the review of Samurai Champloo. This is the story of three useless people just like you and your two friends. अरे टाइटल में हिंदी लिख के इंग्लिश बोल रहा है और अपने व्यूअर्स को यूजलेस कह रहा है। ढंग से रिव्यू दे दे नहीं तो। ठीक है। तो ये कहानी है तीन निकम्मे लोगों की। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की यानी फू दो लड़कों को बचाती है यानी जिम और मुजन। उसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि उसका मदद कर रहे एक समुदाय को ढूंढने के लिए जो सनफ्लावर जैसा स्मेल करता है। फिर वो तीनों उस समुदाय को ढूंढने जाता है और फिर वो उन लोगों को वो समुदाय मिल जाता है। फिर क्या, कहानी खत्म। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना। सही रिव्यू दे दे वरना मार दूंगा जान से। ठीक है देता हूँ। तो गाइस, आज हम एक ऐसा एनिमे का रिव्यू देने वाले हैं जो देख के आप कभी बोर नहीं होगे, यानी सैमुराई चैम्प्लू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सैमुराई चैम्प्लू एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी स्वॉर्ड प्ले और भी बहुत कुछ। ये एनिमे स्प्रिंग हुई थी 2004 में, लेकिन अब भी इसका पॉपुलैरिटी बहुत है। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। आईएमडीबी में इसकी रेटिंग है 8.5 एंड माय एनिमे लिस्ट में भी इसका रेटिंग है 8.5 और सड़े हुए टमाटर है 88%। तुझे कितनी बार बोलूं, रोटन टमाटोज है, खराब टमाटर नहीं है। अरे मुझे पता है, अपनी ऑडियंस सब समझती है। समझ रहे हो आप? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो बात की जाए इसकी प्लॉट के बारे में, तो इसकी कहानी शुरू होती है एक विलेज में। वैसे ये पूरी स्टोरी ही विलेज पे बेस्ड है। तो एक दिन दो सामुराई यानी जिम और मुझे लड़ रहे होते हैं और उन दोनों की लड़ाई के चलते एक चाय का दुकान बर्बाद हो जाता है जिसमें फू काम कर रही होती है। और फिर वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। तब फू उन लोगों की हेल्प करती है और बोलती है कि तुम लोगों ने अगर मेरा हेल्प नहीं किया तो मैं शॉप के मालिक को सब कुछ बता दूंगी। अरे तू उसे ब्लैकमेल करना भी बोल सकता है। अरे पता है, बट मेरे को इतनी इंग्लिश कहाँ आती है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे की स्टोरी बस यही है कि वो लोग उस सैमुराई को ढूंढते हैं और कैसे ढूंढते हैं ये तो आपको एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ये एनीमे अपनी जर्नी पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि सैमुराई को ढूंढने में। लाइक वन पीस, जिन्होंने वन पीस देख लिया होगा उनको तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये एनीमे 2004 को बनी थी, लेकिन फिर भी इसकी एनिमेशन सेवन डेडली सिंस से भी बेटर है और इस एनिमे के फाइट सीन्स भी बहुत ही अच्छी है, खासकर स्वॉर्ड फाइट्स। इसकी स्वॉर्ड फाइट्स में कुछ अलग सा बात है जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, ये एक एपिसोडिक एनिमे है जैसे शिनचैन या डोरेमोन, मतलब कि इसकी हर एक एपिसोड की अपनी अलग स्टोरी है। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये एनिमे देखने लायक है कि नहीं है। तो गाइस मैं बोल दूं कि ये एनिमे मस्ट वॉच लिस्ट में। इनफैक्ट इसकी कॉमेडी इतनी अच्छी है कि ये मेरी कॉमेडी एनिमे लिस्ट की नंबर 4 में आती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं। बाय बाय। अबे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को कौन बोलेगा। अरे रुक जा भाई, बोल रहा हूँ। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो ये मुझे